हाउसहोल्ड सर्किट में हम लोग आज पढ़ेंगे कि कैसे सिटी सब स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमारे घर तक होता है। जैसे मान लीजिए एक सिटी सब स्टेशन है, ये सिटी सब स्टेशन पर हमको पता है लोकल सिटी सब स्टेशन पर 220 वोल्ट का करंट आके यहाँ पर है। अब ये 220 वोल्ट का करंट हमारे घर तक सप्लाई कैसे होगा? तो एक वायर से कोटेड वायर, थिक वायर आता है जहाँ पर तीन वायर आता है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, यहाँ से निकलता है सिटी सब स्टेशन से। सिटी सब स्टेशन से तीन वायर आया, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। अब ये लाइव वायर, न्यूट्रल वायर जैसे सिटी सब स्टेशन से निकलेगा, इसका एक हम लोग पोल से गुजारते हैं। एक हमारा पोल होता है जो हर एरिया में लोकल पोल होता है। पोल से जैसे ये वायर पास होता है तो लाइव वायर में एक कंपनी फ्यूज जोड़ते हैं हम लोग। कंपनी फ्यूज जो करंट रेटिंग इसका 50 एम्पियर होता है। ये 50 एम्पियर से करंट हमारे फिर आगे बढ़ता है और हमारे किलोवाट मीटर, घर में एंटर करने के पहले यहाँ पर लगा हुआ रहता है किलोवाट मीटर। किलोवाट मीटर हम लोग सिर्फ और सिर्फ लाइव वायर को जोड़ते हैं, ये किलोवाट मीटर है, और न्यूट्रल वायर अंदर नीचे से और अर्थ वायर इधर से जाता है। इसके बाद ये वायर जाता है मेन स्विच, जो कि यहाँ से लाइव वायर निकलता है, फिर मेन स्विच लगाते हैं हम लोग। मेन स्विच में लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों इंटर करता है, और फिर यहाँ से लाइव वायर भी निकलता है और न्यूट्रल वायर भी निकलता है। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर निकला और अर्थ वायर नीचे से आया। फिर यहाँ पर हम लोग वायरिंग करते हैं, इस वायरिंग का नाम है हम लोग सर्किट वायरिंग, सर्कुलर वायरिंग करते हैं। सर्कुलर वायरिंग में क्या करते हैं कि लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर तीनों यहाँ जंप करके आता है और सर्कुलर एक रिंग बनाते हैं हम लोग, लाइव वायर का, न्यूट्रल वायर का, अर्थ वायर का। फिर से एक बार रिकैप करते हैं, यहाँ तक हम लोग सिटी सब स्टेशन पर इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा, जहाँ पर जैसे NTPC से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किए 11 किलो वोल्ट का, फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लाए, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लाए, फिर अलग अलग लोकेलिटी में अलग अलग जरूरत के हिसाब से करंट का सप्लाई किया। हमारे लोकेलिटी में 220 वोल्ट का करंट आया। फिर एक ट्यूब टाइप का जो मतलब वायर है उससे हम लोग लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर निकाले। फिर पोल से लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर गया। पोल्स के जस्ट पास हम लोग लगाते हैं, इसको बोलते हैं कंपनी फ्यूज। ये कंपनी का कोई ऑथराइज आदमी लगाता है। कंपनी फ्यूज होता है 50 एम्पियर रेटिंग का। फिर इसके बाद किलोवाट मीटर से गुजारते हैं इस लाइव वायर को, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। यहीं से हम लोग एक अर्थिंग कर देते हैं, यहाँ से अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग को हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। इसके बाद लाइव वायर, न्यूट्रल वायर को हम लोग, ये मीटर जो हम लोग का होता है, मेन स्विच इसको बोलते हैं, मेन स्विच से जोड़ते हैं। आप लोग कभी देखे होंगे अपने घर में एक मेन स्विच ऐसे होल्डिंग बना हुआ रहता है, हम लोग गिरा देते हैं तो पूरा घर का करंट सप्लाई खत्म हो जाता है, यही है मेन स्विच। फिर यहाँ से एक सर्कुलर रिंग बनाते हैं, एक ये लाइव वायर का रिंग है, न्यूट्रल वायर का रिंग है और अर्थ वायर का रिंग है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इस रिंग बनाने के, रिंग बनाकर कैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। जैसे देखिए एक रिंग इधर से आ गया, आप तो देख चुके हैं, ये लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर और ये अर्थ वायर, और एक रिंग बना, लाइव वायर का रिंग, अर्थ वायर जंप किया इसका रिंग, फिर इसका एक रिंग अलग से बना, और ऐसे करके तीन रिंग बना यहाँ से, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। इस रिंग का ये फायदा है कि अब मान लीजिए कि आपके एक, आपके पास आपका घर है, यहाँ से आप लाइव वायर का कनेक्शन लिए, यहाँ पर आप स्विच जोड़ दिए, यह स्विच है आपका ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ स्विच से फिर आप बल्ब को जोड़े, फिर बल्ब से आपका न्यूट्रल वायर निकला और फिर न्यूट्रल वायर जंप करके कनेक्शन कर दिए। कभी कभी आपके घर में किसी, जैसे एक आपको मान लीजिए बाथरूम में सिर्फ एक बल्ब का जरूरत है, तो आप लाइव वायर से निकाले, स्विच से पास कराए, बल्ब से करंट सप्लाई हुआ, करंट गया इधर से और इधर से आ गया। दूसरे घर में मान लीजिए आपका 3 प्लग पिन है, तो वहाँ पर हमको अर्थिंग का भी जरूरत पड़ता है, तो 3 वायर ले जाते हैं, एक लाइव से निकाले, एक न्यूट्रल से निकाले और एक अर्थ से निकाले। ये मान लीजिए 3 प्लग पिन है आपका, ऐसा रहता है तो 3 प्लग पिन में अर्थिंग को जोड़ते हैं। इससे मोटा वाला जो होता है, बड़ा वाला, वो अर्थिंग होता है, लेफ्ट वाला लाइव वायर होता है और राइट वाला न्यूट्रल वायर होता है। फिर इसके, इससे हम लोग 3 प्लग पिन जो भी रहता है इसमें लाइव, न्यूट्रल, अर्थ से लिखते हैं, क्योंकि ज़्यादा हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इससे चलाते हैं हम लोग। हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलाने की वजह से शॉर्ट सर्किट होने का संभावना रहता है और इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस ख़राब हो जाता है। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी घर में आपका AC है, TV है, फ्रिज है, तो आप हर इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग फ्यूज लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, लाइव वायर में लगा दिए एक टाइप का फ्यूज, AC चलाते हैं इसका एक अपना फ्यूज लगा दिए, एक फ्यूज से निकाले, फिर आपका ये AC है, फिर इसे लाइव वायर गया, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर।
एक बार रिकॉल करते हैं हम लोग कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन किए, कैसे कैसे सप्लाई किए। 220 वोल्ट का करंट आकाशिटी सब स्टेशन पर आया, फिर एक वायर के थ्रू लाइव वायर इंटरवल पोल पास गया, पोल के जस्ट पास रहता है हमारा कंपनी फ्यूज का रेटिंग 50 एम्पीयर रहता है। फिर अब लाइव वायर किलोवाट आवर मीटर से गुजरता है, इसके बाद आपका मेन स्विच में जाता है जो घर के बाहर आपको नीचे मतलब बिल्डिंग के नीचे रहता है। फिर हम लोग सर्कुलर वायरिंग करते हैं। सर्कुलर वायरिंग का ये बेनिफिट होता है, सर्कुलर वायरिंग में अगर किसी जैसे छोटा छोटा इलेक्ट्रिकल बिजनेस चलाना है तो इसमें हम लोग तीनों वायर के जोड़ते हैं, सिर्फ लाइव वायर न्यूट्रल वायर जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है। लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ इलेक्ट्रिकल हैवी इलेक्ट्रिकल बिजनेस चलाना है वहाँ आपको न्यूट्रल वायर अर्थ वायर भी लेना पड़ता है। यहाँ तक के बाद अब हम लोग तीन बात पर डिस्कशन करेंगे, फ्यूज काम कैसे करता है, फ्यूज स्विच दो टाइप का स्विच पढ़ेंगे, अर्थिंग पढ़ेंगे, सॉकेट पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ सर्कुलर रिंग और डिस मतलब एडवांटेजेस ऑफ सर्कुलर रिंग। तीन चार टॉपिक पर 5-5 मिनट डिस्कशन करेंगे तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक, हम लोग का कुछ टॉपिक बचा हुआ है जिसको डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ वायरिंग इन रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम में जो हम वायरिंग करते हैं इसका क्या एडवांटेजेस है, 2 मिनट में उसको समझेंगे। रिंग सिस्टम में वायरिंग करने का ये एडवांटेजेस है, रिंग सिस्टम में वायरिंग करने का ये एडवांटेजेस है ईच अप्लायंसेस को मान लीजिए यहाँ से आप जोड़ दिए, ऐसे करके एक अलग रजिस्टर को जोड़ दिए, यहाँ से अलग 3 वायर ले गए और यहाँ से अलग एक घर में लगा दिए, यहाँ से अलग लेके चले गए, यहाँ से फिर एक घर में लगा दिए। मान लीजिए 3 घर में अलग अलग आप 3, आपका मेन जो एडवांटेज है पहला चीपर होता है ये वायरिंग सिस्टम। चीपर क्यों होता है, मान लीजिए आप एक मेन स्विच से बार बार कभी एक बल्ब जलाना तो मेन स्विच फंस गया, फिर वहाँ से 3 वायर निकाले एक बल्ब को जोड़े, फिर मेन स्विच में गया एसी चलाना है फिर 3 वायर को लगाए फिर एसी में जोड़े, फिर मेन स्विच से गए फिर 3 वायर लाए और अपना फ्रिज में जोड़े, इससे बहुत ज़्यादा आपको बार बार वायर कंजम्पशन होगा। और ऐसे करने के अगर जहाँ भी आपको जोड़ना है तुरंत वहाँ कट किया जोड़ दिया। दूसरा एडवांटेज क्या है, कभी आपको नया इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाना है वहाँ कट कीजिए और नया इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जोड़ दीजिए, पहला। दूसरा ये पैरेलल कम्बिनेशन है। पैरेलल कम्बिनेशन होने का क्या फ़ायदा है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ईच सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज मिलता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलने से सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अपना सेम पावर रेटिंग पर काम करता है। जितना पावर रेटिंग उसका रहता है उसी पावर रेटिंग पर ये वर्क करता है। दूसरा पैरेलल कम्बिनेशन होने का एक और फायदा है जो पहले डिस्कशन हो चुका है कि एक अप्लायंसेस अगर आपका काम करना बंद किया तो बाकी अप्लायंसेस वर्क करते रहेगा स्मूथली, इसलिए एक अप्लायंसेस खराब होने की वजह से दूसरा अप्लायंसेस बाधित नहीं होगा। ये आपका एडवांटेज ऑफ वायरिंग इन रिंग सिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे अगर हम लोग एडवांटेज वायरिंग कर देते हैं सीरीज सिस्टम में तो हमको क्या क्या लॉस होगा इसको पढ़ते हैं। टॉपिक चेंज करते हैं, इसका नाम है डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरिंग इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे मान लीजिए कि आप वायरिंग किए, डिसएडवांटेज मान लीजिए मेन स्विच से आप 3 वायर लेके आए, लाइव वायर न्यूट्रल वायर और फ्यूज वायर, आप इसको आप जोड़ना चाहते हैं सीरीज में। सीरीज जोड़ने का मतलब है कि आप एक बल्ब लगाए, बल्ब से फिर ऐसे करके यहाँ न्यूट्रल जोड़े लाइव जोड़े और आगे बढ़ा के इसको फिर यहाँ पर एक पंखा लगा दिए कुछ भी लाइक दैट डिस्टेंस आगे बढ़ते हैं। इसका मेरे ना क्या लॉस है आप समझिए, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं सीरीज कंप्लीट हो गया मान लेते हैं, पहले भी पढ़ चुके थे कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो होता है R1+R2+R3 के बराबर। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और I बढ़ने से क्या होगा ना कि P = क्या होता है V/I, I बहुत बढ़ जाएगा तो आप जानते हैं V I होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, तो V = IR होता है ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ओम्स लॉ के हिसाब से V = IR होता है। ठीक है, अगर आपका यहाँ से आप बोल सकते हैं कि I = V/R, आपका अगर अपना R बहुत बढ़ा दीजिएगा तो ये घट जाएगा। ये घटने का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग अप्लायंसेस को जितना इलेक्ट्रिक करंट चाहिए उतना नहीं मिलेगा,
दूसरा बात इसका और भी एक हानि होता है कि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर ब्रेक हो गया, काम करना बंद नहीं किया, तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम करना बंद कर देगा। तीसरा हम लोग का टॉपिक है स्विच। स्विच दो टाइप का होता है, सिंगल स्विच एक डबल डेकर स्विच या डबल स्विच। सिंगल स्विच तो हम लोग जनरली देखते आते हैं, सिंगल स्विच तो बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, सिंगल स्विच को समझना एकदम इजी है। सिंगल स्विच जैसे मान लीजिए कि आपका एक ये आपका बल्ब है और यहाँ आप एक स्विच लगा दिए। ध्यान रहे हमेशा स्विच लगाते हैं हम लोग लाइव वायर में, स्विच लगा दिए फिर यहाँ मान लीजिए सेल से चलाते हैं, मेंस कोई भी इलेक्ट्रिक से जोड़ दिए, इलेक्ट्रिसिटी एसी है, एसी करंट है, तो अगर आप ऑन कीजिएगा तो ये कम सट जाएगा, और सटने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना शुरू हो जाएगा, ऑफ कीजिएगा तो कनेक्शन टूट जाएगा। ये इजी होता है, इसको समझना इजी नहीं, दिक्कत नहीं, मेन दिक्कत है डबल स्विच। डबल स्विच का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए, डबल स्विच होता क्या है। डबल स्विच जैसे मान लीजिए कि आप फिफ्थ फ्लोर पर रह रहे हैं और आपको सीढ़ी से होकर जाना है, नीचे वाला फ्लोर का स्विच ऑन किया, सीढ़ी का बल्ब जल गया, नीचे वाला फ्लोर का बल्ब जल गया, ऊपर पहुंच गया, आपको बल्ब बंद करना है, तो आप नीचे आकर तो बंद नहीं कीजिएगा, नहीं एक ऐसा सिस्टम कि ऊपर ही बंद किया फिफ्थ फ्लोर पर, नीचे का बल्ब बंद हो गया, फिर सुबह ऊपर से नीचे उतरे, नीचे का बल्ब नीचे से ऑफ कर दिया, ऊपर बंद हो गया। इस सिस्टम को बोलते हैं डबल स्विच सिस्टम। इसमें क्या होता है समझिएगा, इसमें तीन हिंज बना हुआ रहता है, ऐसे मान लेते हैं, एक बार ऐसे है और ये ऐसे है। ये मान लीजिए कि आपका यहाँ बल्ब लगा हुआ लाइव है, ठीक है, लाइव है, बस लाइव और न्यूट्रल को लेकर चलते हैं, इसको कनेक्शन कर दिए, इसको इससे कनेक्ट कर दिए, दूसरा कंडीशन इसको लेकर चलते हैं। इस बार हम लोग इसको जोड़ देते हैं और इसको मान लीजिए इसको इससे जोड़ दिए और इसको इससे जोड़ दिए और लाइव वायर का इंटरफेस। और तीसरा कंडीशन मान लीजिए कि आप फर्स्ट कंडीशन में आपका करंट इधर सेंटर किया, लाइव वायर है या न्यूट्रल वायर है, लाइव वायर से करंट आया, जैसे आया करंट यहाँ आके करंट पास ऑप्शन ही नहीं है, आप यहाँ तो स्विच ऑन कर दिया, इसका मतलब हो गया आपका स्विच ऑन है, यहाँ स्विच ऑन कर दिया, करंट तो आया, नीचे वाला फ्लोर ऑन किया लेकिन यहाँ ऑफ है, सर्किट कम्प्लीट ही नहीं हुआ, सर्किट वॉल्व नहीं बनेगा, नॉट क्लोज, मतलब अगर आप यहाँ ऑन किए हैं यहाँ ऑफ है तो सर्किट ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट कंडीशन इसमें देखिए, मान लीजिए यहाँ से सर्किट आया, यहाँ आया, यहाँ आया, और इसमें देखिए यहाँ समझिएगा, अगर मान लीजिए कि ये ऑन है और ये ऑफ है, इस कंडीशन में देखिए, तो मान लीजिए सर्किट यहाँ आया और कंप्लीट हुआ, अब यहाँ ऑफ कर दिया, ऑफ करने का मतलब ये पलट जाएगा, ऐसे ऑफ करने का मतलब ये अब सर्किट ऐसे ना होके ऐसे हो गए, तुरंत बॉल ऑफ हो जाएगा, अगर यहाँ आकर ऑफ कर देते तो यहाँ से ऑफ हो जाएगा, मतलब जिस ये आपका मान लीजिए फिफ्थ फ्लोर पर आपका ये स्विच लगा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पर लगा हुआ है, कहीं से ब्रेक कीजिएगा बल्ब ग्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फ्यूज। फ्यूज जनरली जो होना चाहिए, फ्यूज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कैसा होना चाहिए, तो फ्यूज हम लोग का जो जनरली बना होता है लेड और टिन का बना होता है। फ्यूज जो अलॉय होता है ये लेड और टिन का होता है। फ्यूज कैसा होना चाहिए, थिक होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस का होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। फ्यूज बनाते समय इस चारों बात का हम ध्यान रखते हैं। अलग अलग हमेशा फ्यूज का हम लोग रेटिंग करते हैं, क्योंकि मतलब जैसे अब मान लीजिए आप देखे थे कंपनी फ्यूज था 50 एम्पियर का, हर एक घर का अलग अलग फ्यूज रेटिंग होता है। फ्यूज के बनाते समय हम लोग को पता होता है कि आर जो होता है रो ए बाई एल होता है, यहाँ पर रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द फ्यूज वायर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एल उसका लेंथ। इसके हिसाब से हम लोग रेटिंग डिसाइड करते हैं कि वायर फ्यूज वायर का रेटिंग कैसा होगा। फ्यूज वायर का रेटिंग, फ्यूज वायर का ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। फ्यूज वायर एलाउ किसका होता है, लेड और टिन का होता है, थिक होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। फ्यूज वायर जो वर्क करता है वो करता है H = I² RT।
जैसे रिक्वायर्ड अमाउंट ज़्यादा करंट फ्लो होगा एच बढ़ जाएगा, हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, फ्यूज वायर लो मेल्टिंग पॉइंट का है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट करेगा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, इसी सिद्धांत पर फ्यूज वायर वर्क करता है। थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं रीजन फॉर द फ्यूज वायर को हम लोग लाइव में ही क्यों जोड़ते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। फ्यूज वायर को अगर हम लोग लाइव में ना जोड़ के न्यूट्रल में जोड़ देते तो क्या होता, इसको समझिए। मान लीजिए कि आपका ये लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है, या आपका यहाँ से आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जोड़ते हैं, इसके पहले फ्यूज जोड़ देते हैं, फ्यूज है मान लीजिए, और इसे सर्किट कंप्लीट करते हैं, फिर जैसे आता है सर्किट कंप्लीट करते हैं। अभी आप लाइव वायर में जोड़ें तो क्या होगा, जैसे हाई वोल्टेज का करंट फ्लो होगा किसी भी वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से हाई वोल्टेज का करंट फ्लो हो सकता है, हाई वोल्टेज की वजह से, लीकेज की वजह से, कहीं सर्किट में वायर लीकेज हो गया इसी के कारण से हाई वोल्टेज का करंट फ्लो हो गया। तो जैसे इसका एक अमाउंट रेटिंग है, इसको अलाउ किया गया है कि ये मात्र 5 एम्पियर का करंट को अपने से अलाउ करेगा, जैसे 5 एम्पियर ज़्यादा करंट होगा ये ब्रेक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आई बढ़ जाएगा और एच इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी, आई बढ़ा तो एच बढ़ा, एच बढ़ा तो ये मेल्ट कर जाएगा। हम लोग का टॉपिक था कि हम लोग फ्यूज वायर को लाइव से क्यों कनेक्ट करते हैं, न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, चलिए एक बार न्यूट्रल से कनेक्ट करके देखते हैं। फ्यूज वायर को यहाँ ना करके हम यहाँ करते हैं, इस बार यहाँ करते हैं। आपका कहना वहाँ होगा कि न्यूट्रल से, तो न्यूट्रल तो ब्रेक कर जाएगा, बिल्कुल ब्रेक करेगा, लेकिन जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे हाई वोल्टेज का करंट आया, इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आ गया, अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हाई वोल्टेज का करंट है इधर से यहाँ आकर ब्रेक हो, लेकिन किसी कारण से अगर हम इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को छू दिए हाई वोल्टेज के कारण से, तुरंत हमारे बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट करंट का फ्लो होने लगेगा, अगर हाई वोल्टेज का करंट फ्लो हो गया तब जितना इसको अलाउ किया गया उससे ज़्यादा। इसीलिए हम लोग प्रीफर करते हैं, प्रीफर क्या, यही करना ही चाहिए कि फ्यूज को हमेशा लाइव वायर के साथ जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है एमसीबी। एमसीबी आजकल फ्यूज के जगह पर बार एमसीबी यूज किया जाने लगा। एमसीबी इसलिए यूज किया था कि फ्यूज थोड़ा टफ होता था, फ्यूज का थोड़ा कंस्ट्रक्शन छूट गया था, एक बार देख लेते हैं। फ्यूज का कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है, फ्यूज का कंस्ट्रक्शन का देखना चाहिए आप लोग, ऐसा होता है। यहाँ पर ना हम लोग ये देखिए, यहाँ पर वायर लगाते हैं, ऐसे करके वायर लगाते हैं और उसको इसमें प्लग करते हैं, जैसे प्लग करते हैं तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, अगर हाई वोल्टेज होगा तो टूट जाएगा, टूटेगा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो ये बना होता है एलॉय का, ये बहुत टफ होता है, बार बार जब जब सर्किट ब्रेक होगा तब तब आपको क्या करना पड़ेगा कि नया वायर लाना पड़ेगा, टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा, फिर वायर जोड़ना पड़ेगा। इसी असुविधा से बचने के लिए, इसी डिसेबल से बचने के लिए हम लोग एक नया आजकल इलेक्ट्रिकल यूज था, इसका नाम है एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये वर्क करता है थर्मल इफेक्ट पर, नीचे सर्किट ब्रेकर ऐसा रहता है, आप देखे होंगे कहीं आपके घर में लगा होगा इस तरह से एक, ये नहीं होता, नीचे सर्किट ब्रेकर ऐसा होता है और स्विच बना हुआ रहता है। इसमें क्या होता है, जैसे हाई वोल्टेज का करंट फ्लो होगा हीटिंग इफेक्ट के वजह से ये खुद नीचे गिर जाता है, फिर जब करंट का सर्किट ठीक हो गया आप आराम से इसको ऊपर कर दीजिए, करंट का फ्लो अगर फिर भी हाई वोल्टेज करंट फ्लो होगा फिर नीचे गिर जाएगा। ये इसलिए होता है कि ड्यू टू, आप बोल सकते हैं, वर्ड मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, बंद कीजिएगा। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एक्चुअली थर्मल सेंसर पर काम करता है। सेंसर हम लोग देखें, आप याद कीजिए, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, नल लगा हुआ रहता है, हाथ लगाते पानी गिरने लगता है, वो रेज का सेंसर होता है, एक रेज चलते रहता है, आप उस रेज के बीच जैसे पानी हाथ लगेगा फिर पानी गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये ना थर्मल सेंसर, जैसे हीटिंग इफेक्ट होगा, हीट गर्मी को महसूस होगा तो नीचे गिर जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो मेजर सर्किट ब्रेकर इसी हिसाब से काम करता है, ठीक है।